के जनपद बहराइच में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं गरेरा नगदलपुर के प्रधान व सफाई कर्मचारी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता नजर आ रहा है गरेरपुर नगदलपुर का सार्वजनिक शौचालय। बहराइच विकासखंड फकरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गरेर नगदलपुर के बेला बेरौली तटपथ पर बने सार्वजनिक शौचालय की हालत जर्जर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस सार्वजनिक शौचालय की क्या हालत है। हाल किसी की अधिकारी व शासन व प्रशासन के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है सार्वजनिक शौचालय पर किसी की नजर नहीं। शासन प्रशासन के सारे अधिकारियों को यह भी पता है कि तटबंध पर बसे जितने भी ग्रामीण हैं सब बाढ़ के क्षेत्र से घिरे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व सफाई कर्मचारी की नजर नहीं पड़ रही। इन शौचालयों पर बरसात होने के कारण चारों तरफ खेतों में पानी भरा है, पानी ग्रामीणों को शौचालय जाने को नहीं मिल रही है। कोई जगह मजबूरी में इन ग्रामीणों को तटबंध पर करना पड़ रहा है। शौचालय के अगल बगल में कम से कम 5 से 6 फुट की झाड़पों जंगा लगे हुए, लेकिन सफाई कर्मी की नजर नहीं पड़ रही है। इस सार्वजनिक शौचालय के विषय में कहाँ ये सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, क्या है पूरी कार्यशैली इसकी? इसकी कार्यशैली तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। यहाँ पर ना कोई देख रेख कोई कर्मचारी आता है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, और दोनों साइड में जंगल लगा हुआ है, बांध के दोनों साइड में पानी होता है। यहाँ आदमी को लैट्रिंग करने में बड़ी समस्या होती है। नल बहुत पहले ये देखिए नल लगा हुआ है, ये टंकी लगी हुई है, उसकी वायरिंग भी गायब है, पल्ले भी गायब है। मरम्मत का पैसा तो 6 महीने पहले निकल गया और कोई पैसा तो निकाल के खाएगी, पैसा तो खर्च कर चुके हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। निवासी रानीबाग गरेरा नगदलपुर। सार्वजनिक शौचालय की क्या है पूरी कार्यशैली? इसकी कार्यशैली खुद ही देख लीजिए, और जो एक दो पल्ले दरवाजे थे, नल भी था, टंकी भी था, सब कुछ मेंटेन था। तो बनने के बाद कुछ दिनों बाद ये सब लगभग में कुछ लोग खोल ले गए, बाकी जो कुछ है सब सामने है। ना इसमें पानी की व्यवस्था है, ना अगल बगल जाने की व्यवस्था है, चारों तरफ जंगल है। अगर कोई आप समझदार लगते हैं तो ये बताइए कि जो है किसके माध्यम से व्यवस्था होनी चाहिए? ये प्रधान और सफाई कर्मी के माध्यम से व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी कभी देखने ही नहीं आते। गांव की सफाई नाली है वो भर जाती, उसको देखने नहीं आते तो लैट्रिन कौन देखने आएगा? और उसके बाद जो है गांव की औरतें और बच्चे जो आते हैं लैट्रिन के लिए, तो लैट्रिन में जब कोई व्यवस्था नहीं है तो बाहर बांध पे लैट्रिन करते हैं। तो है उसके बाद चारों तरफ जंगल भी है, बच्चे सांप से भी डरते हैं। आपका नाम क्या है? शांति। कहाँ के निवासी हैं? रानीबाग गरेरा नगदलपुर। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? इस सार्वजनिक शौचालय जो बना हुआ है इससे आपको कोई सुविधा है? नहीं। क्या हो रहा है? यहाँ पर लैट्रिन बनी हुई है, उसमें दरवाजा नहीं, बारी नहीं, इतनी गंदगी फैली है, और बंधे पर रहते हैं हम, कहाँ चले जाएं बच्चों को लेके? किसी तरह पानी भरा हुआ है, साफ भोजन निकलते हैं, यहाँ पर बैठने का जगह है नहीं, कहाँ जाए यहाँ पर, इतनी गंदगी है। और प्रधान की आंख फूट गई है, दोनों के दोनों दिखता नहीं है। वो तो प्रधान दौलत है, उनका फूटी है। शांति। कहाँ के निवासी हैं आप? गरेरा नगदलपुर। गरेरा नगदलपुर रानीबाग। ये बताइए आपके यहाँ जो सार्वजनिक शौचालय बना है इसकी देख रेख सफाई कर्मी या प्रधान के माध्यम से कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। लगभग कितने सालों से नहीं हुआ? जब से लैट्रिन बनी हुई है तब से। प्रधान के द्वारा कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है, पल्ला दरवाजा भी नहीं है। इसमें देख लो, आके जांच कर लो कि है कुछ, इतनी गंदगी है कि टूना बंद है, बच्चे लेके कहाँ चले जाए, पानी भरा है दोनों साइड में, और इतनी गंदगी है कि नीचे खाली जाए भी नहीं जा सकता। प्रधान से नहीं कहा? प्रधान से कहा है, प्रधान रोज बंधे पे निकलता है और देखता भी नहीं है इधर। तो क्या उसकी आंख बंद हो गई है, एकदम दिखता भी नहीं है, और रानी बिल्कुल नहीं दिखता है। चौकू रानीबाग से? हाँ, उसकी दुश्मनी है रानीबाग से, जनता से गांव से भी। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे पास बहुत मतलब यहाँ पर पानी में रहते हैं और लैट्रिन करने का इतना मुश्किल है, बाढ़ में रहते हैं, और बच्चे यहाँ पर कहाँ चले जाएं गंदगी में, और प्रधान को जो कुछ कहो ना, अभी तक मतलब हमारा पेंशन बना ना, कॉलोनी मिला है ना, कुछ मिला है। प्रधान से कहो, पैसा लेके के चला गया, खा गया, वो भी झूठ बोल गया। इस शौचालय की क्या समस्या है? इसका तो बड़ा दिक्कत है, इसमें न पल्ला न दरवाजा है, बच्चे आने वाले नहीं है, इसमें जलानी में नंगे बैठ जाए, सफाई कभी नहीं हुई है। और आप जो वोट मांगने आए हैं तो साहब, हम झाड़ू लेके बैठे हैं नवा, वही देंगे उसको वोट के साथ में। समस्याएं सार्वजनिक शौचालय की? समस्या है शौचालय के,
कि ये तरफ उस तरफ जंगल है, बंधा पे है, बंधा पटरी पे लेटिंग बनी है, दोनों तरफ पानी भरा है और बहुत परेशानी है बच्चे को हन लड़कियन का यहाँ और उनको पानी टट्टी करने को कीड़ा पतंगा नहीं सता है और इसको कोई सुनवाई नहीं है ये लेटिंग के साथ। प्रधान क्या कर रहे हैं आपके? प्रधान को ख्याल नहीं कर रहे हैं कि का हो चाहिए का ना हो चाहिए। नाम कहा है आपके? कहाँ के सफाई कर्मी हैं? ये जो बांध पे शौचालय बने हुए हैं तो इसकी कितने दिन से सफाई नहीं हुई? साफ सफाई इसकी करवाते हैं जब वहाँ पानी नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है वहाँ से करवा दें, बाकी झाड़ी झंकार सब। और उसमें जो दरवाजा और टंकी और ये सब लगी थी ये नहीं है उसमें? भाई वो तो गांव पंचायत मतलब प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है भाई वो बजट। इसका बजट अभी निकाला गया है भाई, उसके बारे में तो हमको जानकारी और कार्य नहीं हुआ भाई, उसके बारे में तो हमको जानकारी है नहीं। जैसे कि आप साफ सफाई करवाते हैं और उसमें बंधेज नहीं है, कोई पल्ला दरवाजा नहीं है, टूट जाता है जैसे पल्ला दरवाजा निकाल लिया गया, तो भाई हमने सूचना दे दी प्रधान को, दे दिया हमने सूचना प्रधान को दिया आपने? बिल्कुल दिया, जब निकाला गया तब दिया हमने। अब आज तो निकाले नहीं गए हैं, वो तो हो गए एक डेढ़ साल पहले। वैसे तो गंदगी बहुत है अभी भी, गंदगी जब पानी भाई वहाँ पानी मिल जाएगा तो हम साफ करवा देते हैं उसको पानी से, और पानी की व्यवस्था तो कोई है नहीं।